डियर फ्रेंड्स, ये LLB फर्स्ट ईयर का हिंदू लॉ का क्वेश्चन पेपर है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हर साल रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, तो इनको आप तैयार कर लीजिए और 40-45% आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वन में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। चाहे तो हिंदी में चाहे तो इंग्लिश में आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार के आवश्यक लक्षण बताइए। यूनिट नंबर टू, थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द पियर्स ऑब्लिगेशन ऑफ अ हिंदू सन टू पे हिज फादर्स डेट। हिंदू पुत्र द्वारा अपने पिता के ऋण भुगतान करने संबंधी पवित्र दायित्व का वर्णन कीजिए। अब हम इसको पीछे पलटाते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन द डिस्टिंग्यूज बिटवीन गिफ्ट एंड विल अंडर हिंदू लॉ। हिंदू विधि के अंतर्गत दान तथा इच्छा पत्र की परिभाषा तथा उनमें अंतर बताइए। यूनिट नंबर थ्री, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वैध हिंदू विवाह के अनिवार्य शर्त क्या है। सिक्स नंबर, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह विच्छेद के प्राविधान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हर प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको करना है। यूनिट नंबर फोर, सेवन्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिक्वेस्टीज ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू दत्तक के भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं क्या हैं। एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर। हिंदू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों की क्या सीमाएं हैं। यूनिट नंबर फिफ्थ, नवा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पर्सेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी डिस्कस। हिंदू महिला द्वारा अधिकारित संपत्ति उसकी पूर्ण स्वामित्व की संपत्ति होती है, व्याख्या कीजिए। लास्ट क्वेश्चन इज दिस, टेंथ क्वेश्चन इज डिस्कस द जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ अ फीमेल हिंदू अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत हिंदू महिला की दशा में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आपका जो है आप अच्छे मार्क्स कर लोगे गेन, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चंस जो है रिपीट होते रहते हैं। LLB की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड मिल सके। थैंक यू।